अभी सब्सक्राइब करिए हमारे डिटेक्टिव सत्यम चैनल को, साथ ही दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिटेक्टिव सत्यम चैनल में। दोस्तों ये है टेक्नोलॉजी टॉक्स का तीसरा एपिसोड। तो इस एपिसोड में आपको मिलेगी फ्रेश वीकली टेक न्यूज, जो टॉप 7 टेक न्यूज वीक में रही है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इस वीडियो में कौन सी टेक न्यूज कितनी टॉप पे रही है। दोस्तों पहला अपडेट हमारे गूगल क्रोम के बारे में निकल के आता है, जो कि गूगल क्रोम को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया, लगभग 5 बिलियन लोग इंस्टॉल किए हैं एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर। जी आपने सही सुना, ये गूगल ने खुद कंफर्म किया है कि प्ले स्टोर से लगभग 5 बिलियन इंस्टॉल्स कंप्लीट हुए हैं। तो अगला अपडेट दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स के बारे में निकल के आता है। फायरफॉक्स काफ़ी दिन से अपने ब्राउजर पे काम कर रहा था और फायरफॉक्स के डेवलपर ने ये बताया है कि मोजिला को काफ़ी बढ़िया फीचर से अब फुल्ली लोडेड किया जा रहा है, जो कि मोजिला फायरफॉक्स को आपको नया अपडेट वर्जन देखने को मिलेगा प्ले स्टोर पे। ये काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, जैसे आपको गूगल में काफ़ी यानी गूगल क्रोम पे आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगला अपडेट प्ले स्टेशन के बारे में निकल के आता है, सोनी प्ले स्टेशन के बारे में। जैसा कि ये काफ़ी लीक हुआ है बेंच मार्क पे, ये कहा जा रहा है कि 4 गुना यानी 4x मोर पावरफुल है पुराने प्ले स्टेशन से, जिससे कंपेयर किया गया और कहा जा रहा है इसमें नविता का RTX 2070 GPU लगा है, जिससे इसकी काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ती है और काफ़ी ये पावरफुल होता है। दोस्तों अगला अपडेट नासा के बारे में निकल के आता है, यानी अपना जो ड्रोन डेवलप किया था वो सैटर्न पर भेज दिया है, जो कि काफ़ी बड़ा मून है सैटर्न, उस पर गया है ड्रोन और काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी, ऐसा नासा को उम्मीद है। आपको उसके ट्विटर हैंडल पर यानी नासा के ट्विटर हैंडल पर आपको ये स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। दोस्तों अगला अपडेट रोबोट के बारे में निकल के आता है, ये साइंटिस्टों ने खोज की है कि रोबोट अब किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकता है। जैसे कि आप हम किसी भी चीज़ को टेस्ट करके बताते हैं ये मीठी है खट्टी है, वैसे ही रोबोट टेस्ट करेगा कि ये कैसी है। वो कैसे टेस्ट करेगा, बैक्टीरिया के यूज करते हुए, बैक्टीरिया को यूज करते हुए टेस्ट करके बताएगा कि कौन चीज़ मीठी है कौन चीज़ खट्टी यानी स्वाद। दोस्तों अगला अपडेट हुआवे के बारे में निकल के आता है, आजकल हुआवे काफ़ी चर्चा में है। हुआवे और IIT मिल के 5G को डेवलप कर रहे हैं और लगभग ये चाइना में डेवलप कम्प्लीट हो गया है और ये नेटवर्क बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा। जैसा कि हुआवे पे काफ़ी आरोप लग चुके हैं कि हुआवे डेटा लीक करता है, अपने कस्टमर्स का डेटा चुराता है, जो कि काफ़ी पुरानी न्यूज़ थी। तो बस दोस्तों यही था इस वीडियो में।